वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस थर्ड क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आज जो है हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एप्लीकेशन लेटर, है ना। तो ऐसे फर्स्ट में आपने इसका फॉर्मेट समझ लिया होगा, आपको जो वीडियोस भेजी गई थी उसके हिसाब से आपको उसका फॉर्मेट पता होगा कि हमें एप्लीकेशन और लेटर जो जो भी हम लिखते हैं उसका क्या फॉर्मेट है, किस हिसाब से लिखते हैं, है ना। क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले हमें क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है ऑर्डर में, ठीक है ना। लेटर और एप्लीकेशन के साथ साथ हम जो है ना एसेज भी लिखेंगे, और एसेज जो है हम दो एसेज लिखेंगे, ठीक है। तो एक लेटर हो गया, एक एप्लीकेशन हो गई, और एक एक हमारा एसे हो गया, ठीक है। एक एसे होगा हमारा माई स्कूल, और एक होगा माई फैमिली। तो ये चार चीज हो जाएंगी हमारी, यानी आज हमारा जो ग्रामर में राइटिंग पोर्शन होता है वो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम एप्लीकेशन लिखते हैं, देखते हैं कि क्या है एप्लीकेशन, ये किस बारे में है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये कह रहे हैं कि आपको जो है एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेड मास्टर को, यानी आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। किस लिए लिखनी है? फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी आपको जो छुट्टी चाहिए और घर पर आपको कोई जरूरी काम है, ठीक है। एक तो ये है कि बीमारी की छुट्टी है, बीमारी के अलावा भी कभी कभी बहुत सारे काम होते हैं, है ना। कोई भी आपको काम है तो उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो आप किस तरह स्टार्ट करेंगे बेटा? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना है ना। तो द हेड मास्टर आ गया, उसके बाद यहाँ पर आएगा न्यू मून स्कूल, है ना, पूरा एड्रेस जाफराबाद दिल्ली 53। ये पूरा एड्रेस हो गया। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर जहाँ मैंने एरो बनाया ना, इट मीन्स यहाँ लाइन छोड़नी है आपको, अपनी नोटबुक में आप यहाँ पर लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लाइन छोड़ने के बाद ये जो मैंने डैश डाला है, यहाँ पर आपको डेट डालनी है। क्या डालनी है? डेट। तो डेट आज मान लीजिए, सपोज कि आज है 10th January, है ना। तो 10 January ठीक है। तो ये डेट हो गई। इसके अलावा जबकि भी मतलब जब भी आप लिख रहे हो तब की आप डेट डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई ऐसा नहीं कि आपको यही डेट फिक्स करनी है, क्योंकि जब जब भी हम लिखेंगे उसके हिसाब से हम डेट डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अंदर यानी आप किस बारे में इसको एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, तो ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा। फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी कुछ जरूरी काम से, जरूरी काम के लिए लिखी गई है एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर एरो बना दिया मैंने, यानी ये लाइन छोड़नी है यहाँ पर आपको। उसके बाद फिर आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो ये आपने यहाँ लिख दिया, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप। उसके बाद आपकी मेन बॉडी है, मेन कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप बेटा यहाँ पर आपकी जो भी क्लास है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी क्लास है वो आप यहाँ लिख देंगे। इन योर स्कूल, यानी मैं आपके स्कूल की इस क्लास का, कोई सी भी क्लास का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, यानी स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल में, है ना। इस क्लास का स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल का। आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो कह रहे हैं कि मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि मेरे घर पर जो है मुझे कुछ जरूरी काम है, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए जो है मैं स्कूल आने से कासिर हूँ या स्कूल नहीं आ सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक बात हो गई, यानी आपको पूरी बात आपने बता दी कि क्या प्रॉब्लम है ना। उसके बाद आपको फिर यहाँ एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आप यहाँ पर कंक्लूड करेंगे अपनी बात को। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मेहरबानी करके मुझे 2 दिन की छुट्टी अदा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, ठीक है, रहूंगी। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर थैंक यू लिखना है बिना लाइन छोड़े, है ना। जहाँ पर मैंने एरो बनाया भाई वही लाइन छोड़नी है बस आपको। फिर यहाँ पर आप लाइन छोड़ देंगे अपनी अपनी। उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे योर्स ऑबिडियंटली, आपका फर्माबरदार या आपकी फर्माबरदार, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, नेम डायरेक्ट लिखिएगा पहले, नेम मतलब जैसे NAME नेम नहीं लिखना, डायरेक्ट नाम लिखना है आपको अपना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, और नीचे आपको अपनी क्लास लिखनी है, समझ में आया। क्लास रोल नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया रिया, ठीक है, तो ये रिया हो गया। उसके बाद जी क्लास है उनकी 3rd A या B जो भी है, ठीक है, और रोल नंबर हो जाएगा 4। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इस तरह आप इसको फिल कर लीजिएगा, अपना नाम, अपनी क्लास और अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? फॉर्मल लेटर, है ना। यानी ये आपका हो गया फॉर्मल लेटर, कि अगर आप किसी को फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, उसका ये फॉर्मेट रहेगा। बड़ा देखने में कुछ इस तरह लगेगा, ये ओवरव्यू इसका इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसमें लाइंस कट रही हैं, इसके हिसाब से नहीं लिखना आपको, जब मैंने समझाया ना जो लाइंस से लिखी है उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। ऐसे मत देखिए क्योंकि यहाँ पर लाइंस कट रही है तो आप कंटेंट कम कर देंगे, पूरा ऐसे लिखना है एज इट इज, समझ में आई बात। चलिए आप देखते हैं लेटर, है ना। लेटर यानी आप जो हम लिखने जा रहे हैं, हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। देखिए बेटा ये आपका लेटर है। लेटर का क्या क्वेश्चन है? राइट अ लेटर टू योर ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। कहना है कि आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है अपने भाई को, और उनको जो है मुबारकबाद देनी है कि उनके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, इस बात की मुबारकबाद देनी है आपको, ठीक है।
तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल लेटर है, यानी ये वो लेटर है जो हम अपने रिलेटिव्स को, अपने बहन भाइयों को या पेरेंट्स वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी ज्यादा हमें यस सर या यस मैम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हम बहुत कैजुअल सी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा सेंडर से एड्रेस, यानी आपका एड्रेस। तो आपका एड्रेस मैंने यहाँ पर ऐसे जनरल लिख दिया है, एग्जामिनेशन हॉल न्यू मून स्कूल जाफरबाद दिल्ली 53, यानी आप जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में है, यानी यहाँ पर आप रहते हैं। एक तरीके से सोच लीजिए आपके, जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में हॉल से जो है आप लेटर लिख रहे हैं बैठ करके, ये पूरा एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, ठीक है। तो डेट कैसे लिखेंगे, जैसे अभी आपको मैंने बताया था वैसे लिख देंगे। तो सपोज कि भाई आज जो है क्या तारीख है, आज तारीख है इलेवन जनवरी 2022, ठीक है। तो ये आप डेट लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद माई डियर ब्रदर, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रदर को लिख रहे हैं तो ब्रदर, सिस्टर को लिख रहे हैं तो सिस्टर, या जिसको भी लिख रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप मेन बॉडी यानी मेन कंटेंट स्टार्ट करेंगे लेटर का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा, माई डियर ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड इन योर एग्जाम्स विद गुड मार्क्स। तो इसका मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आपने जो है एग्जाम पास कर लिया है बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे मार्क्स से। यू गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास, आपको जो है फर्स्ट पोजिशन मिली है क्लास में, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं आपको जो है इस बेहतरीन कामयाबी पर बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। आई एम सेंडिंग यू द गिफ्ट ऑफ अ वॉलेट, और मैं आपको जो है गिफ्ट भेज रही हूँ। गिफ्ट में क्या है, वॉलेट, वॉलेट यानी जो बॉयज का पर्स होता है ना, वो उसको बोलते हैं वॉलेट, है ना। मे यू सक्सीड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ विद बेस्ट विशेज, तो मतलब मेरी दुआ है कि आप जो है हर जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हों, और मेरी तरफ से बहुत अच्छी विशेज आपके लिए, ठीक है। योर्स अफेक्शनेटली, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा नीचे, ठीक है, आपका आपका प्यारा या आपकी प्यारी बहन, है ना। तो यहाँ पर आप नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये छोटा सा एक लेटर है, ये देखिए इसका ओवरव्यू इस तरह से दिखेगा आपका लेटर, कहाँ कहाँ पर आपको लाइन छोड़नी है, मैंने वहाँ पर गैप दे रखा है ना, वहाँ वहाँ पर आपको भी लाइन छोड़नी है अपने नोटबुक में। उसके बाद पूरा प्रॉपरली लिख लीजिएगा इसको, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, और अगर एग्जाम में आता ही है तो एग्जाम में भी बहुत ध्यान से लिखना है आपको, मतलब उसमें भी लाइन्स वगैरह प्रॉपर छोड़नी है, क्योंकि फॉर्मेट के ही मार्क्स होते हैं लेटर के अंदर बहुत ज़्यादा। और लेटर बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, लेटर बहुत छोटा सा ही होना चाहिए, ताकि आपकी बात बस टू द पॉइंट हो जाए, ये नहीं कि बस आप लिखते चले जाए उसके अंदर, है ना। तो छोटा सा लेटर है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे ऐसे का टॉपिक है माई स्कूल, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई स्कूल्स नेम इज न्यू मून, तो क्या मतलब हो कि मेरे स्कूल का नाम न्यू मून है। इट इज एट जाफराबाद, ये कहाँ पर है बेटा, ये जाफराबाद में है। माई स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल इन आर एरिया, क्या है कि मेरा स्कूल जो है वो मेरे हमारे एरिया के पॉपुलर स्कूल में से एक है, ठीक है बेटा। मिस्टर अजफर अंजुम इज द हेडमास्टर ऑफ अवर स्कूल, क्या है, मिस्टर अजफर अंजुम जो है वो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं। इट इज एन इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल, तो इसकी मीनिंग क्या होगा बेटा, कि ये एक इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल है, यानी एट तक का स्कूल है और इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। इसके बाद सिक्स है, इट रन्स इन टू शिफ्ट, तो ये बेटा दो शिफ्ट में चलता है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, देर आर 25 टीचर्स इन माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में कितने टीचर्स हैं, 25 टीचर्स हैं। दे आर वेल एजुकेटेड एंड टैलेंटेड, और वो वेल एजुकेटेड भी हैं और वेल टैलेंटेड भी हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से टैलेंट भी है उनके अंदर और बहुत अच्छे वो एजुकेटेड भी हैं। दे टीच अस विद ग्रेट केयर एंड लव, यानी वो जो है वो हमें बहुत ज़्यादा केयर के साथ और बहुत प्यार से हमें पढ़ाते हैं। देर आर 15 रूम्स इन इट, कह रहे हैं कि मतलब इसका मतलब है कि हमारे स्कूल में कितने रूम्स बेटा, 15 रूम्स हैं। आर क्लास रूम्स आर बिग एंड एयरी, हमारे जो क्लास रूम्स हैं वो बड़े हैं और हवादार हैं, यानी उनमें हवा वगैरह भी आती है, सब तरह से खिड़की वगैरह लगी हुई हैं और बड़े बड़े भी हैं वो। फिर उसके बाद 12th है, देर इज एन आर ओ फिल्टर वाटर मशीन इन इट, कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में एक आर ओ फिल्टर वाटर मशीन भी है। मैंने डे टू डे एक्टिविटीज़ आर हेल्ड इन इट, हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे दिन प्रतिदिन की जो प्रतियोगिताएं होती है, एक्टिविटीज होती है, क्रियाकलाप होते हैं, वो हेल्ड किए जाते हैं, यानी होते हैं वो। तो अभी तो फिलहाल बेटा स्कूल बंद है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज मतलब हम करते हैं, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन हो गया है ना, राइटिंग कंपटीशन हो गया, इसके अलावा सेलिब्रेशन होती है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना, तो ये सब इसी में आ जाएगा। इसके बाद 14th है, आर स्कूल प्रोवाइड इस्लामिक एजुकेशन अलॉन्ग विद मॉडर्न एजुकेशन, तो कह रहे हैं हमारा स्कूल जो है वो प्रोवाइड करता है दीनी तालीम भी और प्लस साथ साथ के आधुनिक शिक्षा भी, यानी मॉडर्न एजुकेशन भी और दीनी तालीम भी, दोनों चीज़ें। 15th है, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, कि मैं अपने स्कूल को बहुत पसंद करता हूँ।
बड़ा ही देखा आपने, छोटा सा ऐसे 15 लाइंस का, 15 सेंटेंसेस के अंदर लिखे हुए हैं। इसको आपको अपने इंग्लिश के नोटबुक में लिखना है, बहुत सफाई से लिखिएगा, ठीक है। पहले हेडिंग बनाएंगे, डेट वगैरह डाल करके, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ये देखिए बेटा, इसका एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। जो लाइन्स कट रही है वो वैसे देख लीजिएगा, है ना, जब समझा रही हूँ, जब समझाया मैंने उसके साथ तब देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपका नेक्स्ट एसे है, इसमें इसका नाम है माई फैमिली, यानी इसका टॉपिक जो है वो क्या है, माई फैमिली, यानी आपकी फैमिली के बारे में आपको लिखना है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अ फैमिली इज अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे टुगेदर अंडर द सेम रूफ इन अ सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं कि फैमिली क्या होती है। फैमिली जो है वो एक सामाजिक समूह है, एक सोशल ग्रुप है लोगों का, जो कि एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे, है ना, किसी भी सोसाइटी के अंदर एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम फैमिली बोलते हैं, ठीक है बेटा। आई हैव अ वंडरफुल फैमिली एंड आई लव ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, यानी इसका मतलब है कि मुझे मेरी जो है एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी एक फैमिली है, और मैं जो है अपनी फैमिली के सभी मेम्बर्स से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, है ना। माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक मेंबर्स, यानी मेरी फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो बेटा ये आपको यहाँ खुद फिल करना है, जितने भी मेंबर्स हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, 4 हैं, 6 हैं या 5 हैं, जितने भी वो आप यहाँ लिख दिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है माई फादर इज आ, तो आपके फादर क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक तो लिख देती हूँ जैसे बिजनेस मैन है अगर, है ना, तो इसकी स्पेलिंग तो आप यहीं से ही देख लीजिएगा, या इसके अलावा कोई अगर काम करते हैं तो आप बिजनेस मैन के अलावा लिख सकते हैं, बिजनेस मैन या फिर इसके अलावा कोई भी और काम, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर आएगा माई मदर इज आ, तो मेरी जो मदर है वो है क्या है, देखिए ज्यादातर जो मदर है वो हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए हाउस वाइफ लिख दिया, लेकिन अगर इसके अलावा आपकी मॉम जो है वो कोई जॉब करती है या वर्किंग वुमेन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, माई फैमिली इज अ न्यूक्लियर या ज्वाइंट फैमिली। ये दो ऑप्शन है, इसमें से आपको एक पर टिक लगाना है। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आपका न्यूक्लियर पर टिक लगाना है, और अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो ज्वाइंट पर लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप आपके घर में आप और आपके बहन भाई और आपके मम्मी पापा रहते हैं तो आपकी फैमिली क्या होगी बेटा, न्यूक्लियर फैमिली होगी, ठीक है। अगर आपके घर के अंदर मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब रहते हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक पर आपको टिक लगाना है अपनी फैमिली की नौयत के हिसाब से। उसके बाद सेवन देखिए बेटा लाइन, आई हैव ब्लैंक सिबलिंग्स इन माई फैमिली। तो कितने सिबलिंग्स हैं आपके, यानी कितने बहन भाई हैं आपके, वो आपको यहाँ लिखने हैं, आपको इसमें अपने आप को काउंट नहीं करना, ठीक है। सपोज कि आपके दो बहन भाई हैं तो आप यहाँ लिख देंगे टू सिबलिंग्स, है ना, आप नहीं उसके अंदर इंक्लूडेड, और कजिन्स नहीं, आपके जो सगे बहन भाई हैं वही, ठीक है, क्योंकि सिबलिंग्स जो है वो बिल्कुल हम हमारे जो बिल्कुल सगे बहन भाई होते हैं उनको सिबलिंग्स बोलते हैं, बाकी जो कजिन्स होते हैं कजिन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एट सेंटेंस है, ऑल माई फैमिली मेंबर्स लव रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ईच अदर। कह रहे हैं मेरे सभी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। माई फैमिली गोज फॉर अ पिकनिक वंस एवरी मंथ। कह रहे हैं कि मेरी फैमिली जो है वो महीने में एक बार पिकनिक पर जाती है, ठीक है। अभी फिलहाल तो खैर ऐसा नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अक्सर ही घूमने आना जाना होता रहता है। उसके बाद टेंथ है, वी ऑल लव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। कह रहे हैं कि हम सभी को एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता है। माई फैमिली हैज़ टॉट मी गुड लेसन अबाउट लव यूनिटी एंड कॉपरेशन। ये कह रहे हैं कि मेरी फैमिली ने जो है मुझे बहुत सारे अच्छे सबक सिखाए हैं, मतलब अच्छे अच्छी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि हमें जो है सबसे बहुत प्यार से मोहब्बत से रहना चाहिए, है ना, एक साथ मिलकर रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, और एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए, यानी अगर कोई परेशानी वाली बात हो तो उसके अंदर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे को। फिर उसके बाद है बेटा लास्ट सेंटेंस है आपका, आई प्रे टू गॉड टू प्रोटेक्ट माई फैमिली फ्रॉम ऑल एविल्स एंड कीप अस सेफ फ्रॉम ऑल डेंजर्स ऑफ लाइफ। तो कह रहे हैं कि मैं जो है दुआ करता हूँ, ये दुआ करती हूँ ईश्वर से कि मेरी जो फैमिली है उसको सभी बुरी चीज़ों से उसकी हिफाजत फरमाए ईश्वर, यानी गॉड यानी अल्लाह, एंड कीप अस सेफ फ्रॉम ऑल डेंजर्स ऑफ लाइफ, और हम सबको जिंदगी की तमाम खतरों से हमारी हिफाजत फरमाए, ठीक है बेटा। एक छोटा सा आपका एक ऐसे था माई फैमिली का, इसको भी आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, दोनों सेपरेट लिखिएगा, ठीक है, यानी कि अगर पेज बच रहा हो तो उसी पे स्टार्ट कर दे, अलग अलग लिखिएगा, दोनों की प्रॉपर हेडिंग्स बनानी है आपको, अलग अलग डेट डालकर अलग अलग पेज से करना है, ठीक है बेटा। एक बार इसका पूरा लुक देख लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए इसका, ये देखिए बेटा इसको आप एक बार पूरा देख लीजिए और बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको दोनों ऐसे समझ में आए होंगे, बहुत छोटे छोटे से ऐसे हैं, आराम से हो जाएंगे ये, बस पहले मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ठीक है। So thank you, thanks for watching, Allah Hafiz.